छुप कर काम करने में भारत की कुछ खतरनाक और मशहूर स्पेशल फोर्सेस माहिर है, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इनको सिर्फ स्पेशल मिशंस के लिए ही तैयार किया जाता है। और आप ये बात जानकर आश्चर्य होंगे कि ये भारतीय स्पेशल फोर्सेस को दुश्मन से अचानक हुए हमले को संभालने के लिए 20 मिनट से भी कम समय मिलता है। हर दिन कोई ना कोई चुनौतियाँ इनको मिलती रहती है। इन चुनौतियों से निपटने में भारत की ये स्पेशल फोर्सेस का काफ़ी अहम योगदान रहा है। चलिए जानते हैं कौन कौन सी खतरनाक और मशहूर स्पेशल फोर्सेस भारत में है और वो कैसे काम करती है। सिर्फ आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इन बहादुरों को सलाम कीजिए। नंबर एक में है गरुड़ कमांडो फोर्स। 2004 में स्थापित गरुड़ कमांडो फोर्स भारतीय वायुसेना का विशेष विंग है। गरुड़ कमांडो का प्रशिक्षण भारतीय विशेष बलों में सबसे लंबा है। अभी हाल में इसमें मात्र 2000 कमांडोज है। अत्याधुनिक हथियार से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, दुश्मन की छक्के छुड़ाने, हवाई अटैक करने, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। नंबर दो में है पैरा कमांडोज। गरुड़ कमांडो फोर्स के बाद नंबर आता है पैरा कमांडोज का, जो भारतीय आर्मी का सबसे ज्यादा प्रशिक्षित स्पेशल फोर्सेस माने जाते हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ये कमांडो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पैरा कमांडोज भारतीय सेना का उच्च प्रशिक्षित पैरासूट रेजिमेंट का हिस्सा है और भारत के स्पेशल फोर्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। 1966 में स्थापित इस स्पेशल फोर्सेस में सेना के सिर्फ उन्हीं जवानों को हिस्सा बनने का मौका मिलता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ और बलवान होने के साथ ही बेहद समझदार और प्रेरित होते हैं। इन कमांडो की शुरुआत शरीर पर 65 किलो वजन और कई किलोमीटर दौड़ के साथ शुरू होती है। ये पैरा कमांडोज को स्पेशल ऑपरेशन, बंधक समस्या, एंटी टेरर ऑपरेशन, दुश्मन को तबाह करने जैसी मुश्किल काम ही दिए जाते हैं। नंबर तीन में है मार्कोज। इंडियन नेवी के स्पेशल फोर्स मार्कोज भारत में सबसे ट्रेंड और आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोज को दुनिया के बेहतरीन यूएस नेवी सील्स के जैसा तैयार किया गया है और यूएस सील कमांडोज के बाद ये दुनिया का एकमात्र ऐसी फोर्स है जो पूरे हथियारों के साथ पानी के भीतर ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती है। ये मार्कोस किसी भी इलाके में ऑपरेशन करने में सक्षम है। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ता है, फिर ये कमांडोज चुने जाते हैं। इन्हें अमेरिका और ब्रिटिश सील के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। देश के ये कमांडोज जमीन, समुंदर और हवा में लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इसका गठन 1987 में किया गया था। भारत में कुल अभी 1200 मार्कोस कमांडोज हैं। दोस्तों, हर देश को ताकतवर बनाने के पीछे ऐसी स्पेशल फोर्सेस का हाथ होता है। स्पेशल फोर्सेस और रक्षा बल ही अपने देश को सम्मान और विश्व में बिल्कुल अलग पहचान बनाता है। अगर आप में चुनौतियों से जूझने और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए जीत हासिल करने का जज्बा है तो यकीन मानिए भारतीय सेना आपका इंतजार कर रही है। आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को भारत में सबको पहुंचा दीजिए ताकि भारत में सबको इन वीरों के बारे में थोड़ा जानकारियाँ मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।